और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसका जितना कैरियर डिपेंड है वो पूरा पूरा रनिंग पर डिपेंड है, अगर वो उस व्यक्ति में रनिंग की कैपेसिटी ना होती है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनका ब्रेन सही और गलत की पहचान में अभी भी सक्षम है। तो बात करते हैं 21 अगस्त 2024 की। एक फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी देखी थी, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि भाई अगर रोनाल्डो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब उनको परमिशन नहीं देगा, क्योंकि वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है और यूट्यूब की जो कैपेसिटी है पूरे के पूरे सिस्टम को संभालने की, उस कैपेसिटी को फिल कर सकते हैं। ये बात बहुत हद तक सही भी थी, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने देखने को आ रहा है। उन्होंने कल 21 अगस्त को अपना चैनल बनाया था और आज 22 अगस्त है। मैं ये फिलहाल आपको कनाडा से ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यहाँ के टाइम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और अभी फिलहाल की अगर स्थिति बात करें तो मेरे दोस्त ने मुझे एक सुबह एक लिंक भेजा जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना एक चैनल बनाया है और उस चैनल के अंदर उनके 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया था। और फिर उसके बाद में जब मेरे दोस्त ने मुझे भेजा तो उस टाइम पे मैंने चेक किया चैनल, तो 23.8 मिलियन उनके सब्सक्राइबर थे उस समय पर। 2 घंटे बाद मैंने फिर से चैनल दोबारा से देखा, वो 25 मिलियन जो है कंप्लीट कर चुके थे। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से चेक किया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लेटेस्ट जो मुझे पता है 6 मिलियन उन्होंने सब्सक्राइबर अभी तक गेन कर लिए हैं। कितनी बड़ी बात है और ये क्यों हुआ है, हम थोड़ा सा इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं तो हेल्थ की वीडियो पर ज्यादा फोकस करता हूँ आजकल, और हेल्थ की मैं बात इसमें करने वाला हूँ कि इसमें हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन जो शब्द है वो सभी को समाहित कर लेता है, उसमें कोई अभी अलग नहीं होता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी भी और तरीके की बात का, उसमें सिर्फ एक ही बात सामने निकल करके आती है, वो आती है ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है वो रोनाल्डो भी मना नहीं कर सकता कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, तो एक बहुत बड़ा शब्द है। तो हम ह्यूमन हैं ही क्यों? तो अगर इसके पीछे का साइंटिफिक डाटा की बात करें तो भाई वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर की इवोल्यूशन इंसान का एक बेहतरी की तरफ, उसके बाद की उत्पत्ति है हम लोग, विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रेन एंड ए कॉम्प्लेक्स बॉडी। और बॉडी की हम हमेशा बात करते रहते हैं, के बारे में मैं अपने चैनल पर बताता भी रहता हूँ। और इस करोड़ों वर्षों के बीच में क्या हुआ, इस करोड़ों वर्षों के बीच में हमें बहुत सारे जानवरों के बीच में रहना पड़ा, हमें जंगलों में रहना पड़ा, और वो जानवर सारे के सारे जो है हमें खाने को तैयार थे, और हमें खुद उनको खाना पड़ा जो हमें खाने को तैयार थे। और ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारा सारा जो सिस्टम था, ये कैसे संभव हुआ? देखो, मुझे जो लगता है ऐसा हुआ होगा कि भाई उस टाइम पर 10-20-50 लोग हुआ करते होंगे किसी गांव में या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, और वो लोग एक साथ रहते होंगे, ठीक है। तो उनमें से उनका कोई एक मुखिया लीडर जो होता होगा, उसने हमेशा उनको लीड किया होगा। क्या जो लोग उनको फॉलो करते थे या क्या लोग जो उनका साथ देते थे, क्या उन्होंने कभी उनको कहा होगा कि मुझे तो इनडाइजेशन हुआ है, आज जो है मुझे गैस बनी हुई है, या आज मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो लग रहा है मुखिया साहब, या ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है ये सुनकर ही कि आज हमें शेर मारना है, या फिर किसी ने कहा है कि मेरी शुगर लो हो चुकी है या मेरे शुगर हाई हो चुकी है? नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आता है कि एक्सक्यूजेज, यानी कि हम लोग जो है हमेशा अपने आप को एक्सक्यूजेज देते हैं, और अपनी किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कोई एक्सक्यूजेज हम जो है हमेशा देते रहते हैं। तो वो समय जो था ह्यूमन बींग के लिए बिना एक्सक्यूजेज का था, यानी कि आप किसी को भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा क्यों हो रहा है। और आज हमारी पूरी जो ज़िंदगी है वो एक्सक्यूजेज पर डिपेंड है कि हम कोई ना कोई बहाना बताते रहते। और उस समय जो है एक बहुत बड़ा उनका कारण रहा कि उनके पेट की भूख, यानी कि उन लोगों के लिए जो है अपना खाना ही इकट्ठा करना एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था, इतनी बड़ी बात थी कि अगर वही उनको मिल जाए तो उससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं था। और आज हमारे पास खाना तो एक बहुत छोटी बात हो चुकी है, वो तो हम दूसरों को भी अपनी जेब से पैसे देकर के खिला सकते हैं। खाना तो छोड़िए, आज हमारे पास बहुत सारे सुख संपदा हो चुकी है, उसके बाद भी हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। अगला था कि जब वो जंगलों में रहते थे या एज ए ह्यूमन, हमें एक बहुत बड़ा हमारी हिस्सा रहा है लाइफ का कि भागना, कि भाई जंगलों में इनको रहना पड़ा, तो उन लोगों को भागना भी बहुत ज़्यादा पड़ा है ना, क्योंकि उनका ये इसके बिना उनके कोई भी तरीके से उनके ज़िंदगी संभव नहीं थी। या तो अगर कोई जंगली जानवर है तो उससे उनको बचकर भागना पड़ेगा, या उसको मारना है तो भी भागना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने एक्सक्यूजेज का आप लोगों को बता ही दिया था कि एक्सक्यूजेज जो है वो ज़िंदगी में कोई भी स्थान नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई रोनाल्डो जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, और उसको वो एक इतना बड़ा लीजेंड किस प्रकार से बन गया, और दूसरे लोग इस तरीके से लीजेंड क्यों नहीं बन सकते। तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक और जो है अभिनव बिंद्रा, वैसे मैं उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखता, पर
फिर भी अभिनव बिंद्रा की एक वीडियो मुझे मेरे दोस्त ने दिखाई थी, उन्होंने बनाई थी एक स्विमर के ऊपर जिसने सबसे ज्यादा अब तक के गोल्ड मेडल ले रखे हैं ओलंपिक में, सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं जितने भी कोई इंसान के लिए पॉसिबल है, और वो उस इंसान ने सारे गलत काम भी करके देख रखे हैं जो भी एक इंसान कर सकता है। उस गलत काम करने के बाद में दोबारा से जो है बैकअप किया और बहुत ही अच्छे से गोल्ड मेडल दोबारा से जीते थे। तो वो भी इंसान जो है वो बिल्कुल रोनाल्डो को टक्कर देने वाला इंसान है, और रोनाल्डो की ही बात करेंगे हम आज। अपने आप को इतना बड़ा लीजेंड कैसे बना दिया, क्यों इतने ज्यादा लोग इनको फॉलो कर रहे हैं? तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग सभी है, वो भी है, हम भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो व्यक्ति रख जाएगा वो लीजेंड बन जाता है। सबको जो है सबके भाग्य में कुछ भाग्य की भी बात होती है कि सबके भाग्य में नहीं होता है कि वो इतनी मेहनत कर दे, और सबके भाग्य में नहीं होता है कि वो इतनी मेहनत कर दे फिर भी वो रोनाल्डो की तरह जो है एक ख्याति प्राप्त कर ले या सभी उनको पूछे, है ना। तो यहाँ पर भाग्य जो होता है भाई हम उसको बिल्कुल भी मना नहीं करते, वो हमेशा हर फील्ड में हर एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात होती है कि भाई बिकम ए डूअर, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है 99% लोग जो है वो थिंकर है, सोचते हैं, करते नहीं है। तो करने वाला बनना चाहिए, करने वाला ही इंसान जीतता है, वो चाहे कितना भी मानसिक रूप से पुअर हो, कितना भी ब्रेन की तरफ से कितना भी उसको मतलब भगवान ने कम दिया हो, चाहे पैसे भी कम हो उसके पास, ब्रेन भी कम हो, पर फिर भी वो सबसे ज्यादा कर जाता है। तीसरी चीज है भाई रनिंग। रनिंग अभी मैं पीछे भी बात करके आया हूँ, प्रकृति, प्रकृति की एक देन है, और बहुत सारे लोग रनिंग कर सकते हैं तो करो, ठीक है, उसमें मतलब जहां तक आपको लगे ना आपके शरीर में कोई समस्या नहीं हो रही है। जो बच्चे देख रहे हैं इसको वीडियो को भाई उनको तो निश्चित रूप से जितनी आप कर सकते हो करो, ये आप को एक प्रकृति की देन है, मतलब यानी कि ये तो इनबिल्ट एक चीज है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो रनिंग पर मैं इसलिए आप लोगों को, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसका जितना कैरियर डिपेंड है वो पूरा पूरा रनिंग पर डिपेंड है। अगर वो उस व्यक्ति में रनिंग की कैपेसिटी ना होती है ना, कितने लंबा उनको लोगों को भागना पड़ता है, कितने लंबे समय, कितने ज्यादा पेस के साथ उनको बार बार भागना पड़ता है ना, तो रनिंग जो है भाई वो अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बना के रखो। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों को लग रहा है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और अब उनका जिंदगी में सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुके हैं, रनिंग ये इधर उधर की दाएं बाएं की कितनी भी चीजें, तो भाई वो भी लोग अगर रनिंग नहीं कर सकते तो आपको आपका शरीर खुद बता देगा, आपको सांस फूलने लग जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप रनिंग मत करो, आप उसी टाइम पर वहीं पर रुक जाओ, आप जो है थोड़ा सा समय दो अपने आप को, सांस लो, आप झपट के चलना शुरू करो, आपको खुद महसूस होगा कि आपका शरीर कितना ज्यादा खराब हो रहा है। कुछ लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि भाई हमने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रखी है और हमारे पास 10 करोड़ का ये है, अंबानी जो है उसका बेटे के पास इतने इतने 1000 करोड़ की घड़ी है, मेरे पास तो देखो वो भी नहीं है ना, तो अंबानी का जो बेटा है भाई उसको देखो आप, उसके पास कितने भी अरबों खरबों रुपए की मशीनरी हो, है ना, पर उसकी खुद की मशीनरी उतनी कामयाब नहीं है। तो अपनी खुद की मशीनरी, अपने बच्चों की मशीनरी बहुत अच्छी डेवलप करो, जो कि हो सकती है सिर्फ और सिर्फ रनिंग से। मैं उस पर दोबारा से फोकस करूंगा, और हाँ मुझे भी सब्सक्राइब कर लो भाई, मेरे तो अभी तक 50,000 ही सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, और वो भी खास करके इंडिया का एक बहुत अच्छा डॉक्टर होने के बाद में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और भाई मेरी इस वीडियो में मेरे से जो भी गलतियां हुई उसको माफ करना, पर मुझे अच्छा लगा आज की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और लीजेंड्स जो होते हैं उनका सम्मान के लिए सभी तैयार होते हैं। मैं भी उनके सम्मान में ही एक प्रकार की एक वीडियो ये बना रहा हूं, और उसके पीछे कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि हम अगर समझाएंगे किसी को तो उनमें से सब तो समझदार नहीं निकलेंगे, पर कुछ ऐसे जरूर निकलेंगे, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं खास करके, और बड़ों को तो समझाना एक अपने आप में गलती होती है खैर, पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी निकल सकते हैं जो कि अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ा कर जाएं। तो भाई इसी के साथ अब आज की वीडियो को करते हैं बंद, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।